माननीय श्री गोविंदा जी मालपानी से ये जानने का कि ये संगीत की क्या विधा है, ये जो पुष्टिमार्ग वैष्णव मंडल जयपुर के द्वारा ये जो होली समाज पे इस तरह का जो आयोजन प्रयोजन विभिन्न घरों में होता है, इसके बारे में हम नए लोगों को इस बात की रुचि है कि क्या इसका इतिहास है और इसका उद्देश्य क्या है, हम आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहेंगे। श्रीवल्लभाधीश की जय। आज सुबह भाई अरविंद से चर्चा हुई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अध्ययन भी किया साहित्य का। अपन इसको तीन भागों में बांट रहे हैं, पुष्टिमार्ग वैष्णव मंडल और सनातन धर्म। समाज कब क्यों शुरू हुआ, हमारे जीवन में आज ये आगे आने वाले समय में इसका क्या महत्व है, और विभिन्न वैष्णवों के द्वारा उनके अपने घरों पर ये परिपाटी कब से चली और क्यों चली, इन तीन पैसेज और स्टेजेस में अपन एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1942 में करीब खत्म हुई थी, और उसके पहले यदि आपको ध्यान हो तो जयपुर में दो निधियां विराजत थी, कुल चंद्रमा जी और बदन जो आज कामा में विकास है। जयपुर के महाराजा मान सिंह की पत्नी दर्शन करने के हिसाब से गई और अनोसर हो गए थे, दर्शन नहीं हुए और वो रुष्ट हो गई, और उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे राज्य में रहना है तो मेरे नियम चलेंगे। हमने कहा पुष्टि मार्ग में प्रभु के नियम के अलावा किसी का नियम नहीं चलता है, और सारा वैभव छोड़ करके उस समय के बालक देवकीनंद जी महाराज थे, वो गोकुल चंद्रमा जी को और मदन मोहन लाल जी को यहाँ से पत्र के सामान ले गए, सब हो गए। ये बात है 127 साल पुरानी। उसके बाद यहाँ प्रायः पुष्टि मार्ग लुप्त हो गया था, कुछ वैष्णव डेरा इस्माइल खां से, उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था और डेरा इस्माइल खां पुष्टि मार्ग के बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो नाथद्वारा दर्शन के लिए जाते थे तो वो जयपुर होकर के ही जाने का रास्ता था उस समय, जो 150-200 साल पहले। जब यहाँ कुछ वैष्णव का समागम हुआ और ये मालूम पड़ा कि यहाँ निधियाँ बिराजती थी तो पुष्टि मार्ग भी अवश्य रहा होगा, एन चैन गिने हुए घरों में उनको ऐसा हुआ, तो यहाँ फिर वल्लभ कुल के बालकों का आना हुआ जिनको हम वल्लभ कुल के महाराष्ट्र कहते हैं, हमारी भाषा में पुष्टि मार्ग भाषा में उनको बालक कहते हैं, जो वल्लभ कुल के महाराष्ट्र का धारणा हुआ उनके द्वारा ये रहा कि भाई आप कुछ ऐसा एक स्थान रखो जिससे पुष्टि मार्ग में अलग अलग घरों के अलावा भी सायंकाल में सब लोग एकत्रित होकर के भगवत करें, तो भगवत सत्संग भी होगा और एक समूह बनेगा, तो पूरी पुष्टि मार्ग प्रवृत्ति हो जाएगी, और ये वर्ष आज यदि छोटा है तो बड़ा फूल करके बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसी कल्पना के साथ करीब करीब 1942 में जब बड़ा खत्म हुई सेकेंड, तो कुछ वैष्णवों के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि यहाँ सायंकालीन सत्र शुरू किया गया। उसमें सबसे प्रमुख भूमिका गोविंद नारायण जी तिवाड़ी, एक दो गुजराती वैष्णव या इंपीरियल बैंक में रहते थे उनकी, और दो पुराने यहाँ के वैष्णव जिसमें इनके नाना जी का परिवार भी था, मनसुखदास जी साहब उस समय बालक थे। ऐसा जब शुरू हुआ प्रकरण तो उस प्रकरण के बाद ये लगा कि ये कहाँ किया गया है। उस समय सारे वैष्णव यहाँ शहर में रहा करते थे, तो गोपाल जी के रास्ते में लालानियों का चौक करके एक जगह है, वहाँ एक बाहर नोरा है, यदि आप लालानी चौक में सीधा जाएं अंदर घुसते ही तो आपको बिल्कुल सामने एक नोरा लगेगा, वो उस समय इन मालकानी परिवार की संपत्ति हुआ करती थी, और उसमें कुछ वैष्णव यहाँ क्योंकि सब लोग यहीं से बैठ के रहते थे,
सायंकालीन सत्र शुरू हुआ और सत्संग शुरू हुआ। क्यों किया गया ये कार्य? इसलिए किया गया कि आज जो सेवा का स्वरूप हमें समझ नहीं आता, हम अपने मन से कर रहे हैं, वो चार वैष्णव मिलकर के और हमको ये सिखाएं कि इसका महत्व क्या है, कैसे की जानी चाहिए और सामूहिक रूप से करने से इसका क्या आनंद मिलता है। उस दृष्टिकोण से ये शुरू हुआ और उस दृष्टिकोण से शुरू होने के बाद थोड़े देर बाद जाकर के ये लगा कि हाँ ये परिपाटी चलेगी। गोवर्धन नाथ जी का मंदिर गलता रोड पर जो आप देख रहे हैं, मोहन बाड़ी जिसको कहते हैं, वो भवन प्रयासों से पुष्टिमार्ग वैष्णव के प्रयासों से मिला और ये स्वरूप गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप वहां पधराया। ये जो पुराने स्वरूप जहाँ विराजते थे वहां आज भी हमारे गिरधर जी मुखिया जी जो सेवा कर रहे हैं उस भवन के आसपास ही वो जगह हुआ करती थी, नाहरगढ़ रोड पर। वहां से भी कुछ वैष्णव आना शुरू हुए और इस तरह से इस समाज का प्रादुर्भाव हुआ। दृष्टिकोण यह रखा गया कि जब महाराष्ट्र बधारते थे तो उन्होंने रखा कि देखिए जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे और पुष्टिमार्ग के बारे में समझेंगे नहीं तो ये प्रक्रम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मंडल का एक भ्रमण लेना चाहिए, एक मंदिर को स्वरूप देना चाहिए और वहाँ ठाकुर जी के नित्य नेम से पूजा हो तो हम लोग भी मुखिया भीतरिया के द्वारा समझाएंगे कि पूजा सेवा कैसे हो सकती है। मैं पूजा इसलिए बोलता हूँ, सब लोग सेवा का मतलब नहीं समझे, लेकिन पुष्टिमार्ग में पूजा नहीं होती है, गिरिराज पूजा इसलिए होती है वहाँ कि वो सर्वोद्धारक स्वरूप है और वो उसका भी एक दूसरा प्रकरण है पर अपने यहाँ सेवा प्रकरण है और सेवा में दैन्यता आती है। आप चाहे लौकिक में सेवा करें या अलौकिक में सेवा करें। वो प्रकरण से जब शुरू हुआ तो सिखाने के बाद अपने इन्होंने कहा मुझे वहाँ जाने में तकलीफ होती है, मुझे यही मंदिर चाहिए। यहाँ मंदिर बनाया गया अग्रवाल परिवार द्वारा और यहाँ जब ये हुआ तो इनके पास समय और साधन बहुत थे तो वल्लभपुर के पालकों का यहाँ जयपुर आना प्रारंभ हुआ और वहाँ से इसकी नींद अच्छी प्रगाढ़ होती रही और ये चला। अब घरों में ये क्यों समाज होता है और किस तरह से ये किया जाता है, ये प्रकरण 1952 से 1955 के बीच में ये जो जयपुर के वैष्णव का समूह था इन्होंने कहा कि दो बहुत बड़े फायदे होंगे इससे। एक तो नई आने वाली पीढ़ी जुड़ेगी, जो हमारी जनरेशन आ रही है वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो जाएगी और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे गीले कपड़े के पास सूखा कपड़ा रखने से गीला हो जाएगा, पुष्टि मार्ग धीरे धीरे प्रगाढ़ता लेता चला जाएगा। उस दृष्टिकोण से सबसे पहला समाज मनसुखदास जी भूतड़ा के यहाँ हुआ। ये बात है 1953 के इन्हीं फागन के महीने में। अभी कब किया जाए तो सब जगह और अन्य अन्य स्थानों पर जहाँ पुष्टि मार्ग के गढ़ है वहाँ फागण में फागोत्सव होते हैं, तो नियमित रूप का सत्संग तो मंडल भवन में हो और फागोत्सव जब भी आए फागुन के यहाँ से जब मैं पाठ बैठते हैं शनाथ जी सप्तमी, उससे समाज शुरू हो जाए बसंत से, तब से समाज शुरू हुए। और इसके पीछे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि घरों में किस तरह से जैसे वाइब्रेशंस होते हैं अपने, तो प्रत्येक घर में आज नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड्स हुआ करते हैं। लेकिन आप देखिए कमरे में एसी लगा हुआ है, उस एसी को यदि बंद कर देते हैं तो कमरे में पुनः गर्मी आ जाएगी, गर्म हो जाएगा, और एसी चालू कर देते हैं तो वो गर्मी दब जाएगी और एसी का प्रभाव मालूम पड़ेगा। क्यों? गर्मी गई नहीं है, गर्मी वही है लेकिन एसी के प्रभाव ने उस गर्मी को दाब दिया। इसी तरह भगवत संस्कार, भगवत स्मरण, भगवत सत्संग, हमारे आचार विचार संस्कार व्यापार और व्यवहार इन सब में काम आता है। इसी तरह से यदि हर घर में ये होगा तो सबके सब जो नेगेटिव एटीट्यूड है या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न थे कि जैसे एक उदाहरण बोल देता हूं, आप अपने हथेली पर एक में चंदन रखिए, एक में कोयला रखिए और 5 मिनट तक हथेली को बंद कर लीजिए, उसके बाद चंदन भी छोड़ दीजिए और हथेली भी छोड़ दीजिए, तो कोयला भी छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि कोयले का जिस हथेली पर सत्संग संसर्ग हुआ, संपर्क हुआ, वो हथेली कोयला छोड़ने के बाद भी काली रही
और जिस हथेली का संसर्ग चंदन से रहा वो चंदन छोड़ने के बाद भी उसकी खुशबू आपको आनंदित करती रही, यही भगवत स्मरण की बात है। लौकिक बात करेंगे तो शायद आपको कोयले वाली आभाषा हो जाएगी, लेकिन अलौकिक और भगवत स्मरण करेंगे तो जैसे चंदन की खुशबू फैलती है, इस तरह सर घरों में ये सारे चंदन की खुशबू नहीं, भगवत स्मरण फैलता रहेगा। आज ये हमारे बच्चे, प्रत्येक घर में जो भी बालक बालिकाएं हमारे पुत्र वध में हैं या जो भी हैं, ये शायद अन्य घरों में जाकर के और इस सत्संग का लाभ नहीं ले सकती, लेकिन अपने घर में यदि होगा तो उनको इस आनंद से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। और आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन वृक्षारोपण के बाद फल पहला दिन नहीं लगता, ये यदि सत्संग नियमित रूप से हर वर्ष होता रहेगा तो एक दिन ये भी हम रहें कि नहीं रहें इस सत्संग को चालू रखें। तो जैसा आपने बताया कि ये बीज डालने वाली बात है, तो आपकी बात से हमको याद है कि नाना जी हमको याद है, माता जी पिताजी हमको अंगली पकड़ के लेके जाते थे, अच्छा सुखदास जी नाना जी हमारे जब कीर्तनकार थे, तो ठीक उसी प्रकार से आपकी भी कभी बचपन की कोई यादें जुड़ी हुई है इससे? हाँ, मेरी सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है जब से मुझे स्मरण हुआ, कन्हैयालाल जी भुखमरिया हुआ करते थे, यदि नाम सुना हो तो, गोपाल जी के रास्ते में उनको तो नहीं, त्रिपुरिया के बाजार में और हनुमान के रास्ते में उनका मकान कन्हैयालाल भुखमरिया, उनके समाज हुआ था। और उस समाज में हम, मेरी उम्र शायद उस समय रही होगी कोई 10-11 वर्ष, उस वक्त हल्का सा बरसात थी और कोई जाने वाला नहीं था साथ में, मेरे दादाजी के साथ में, दामोदर दास जी के साथ में, तो उन्होंने कहा चलो तुम मेरे साथ चलो, आप तुमको घुमा के लाते हैं। तो हमें मालूम नहीं सत्संग क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वहाँ वो तो कीर्तन कर रहे थे और हम जो है हमारे उम्र के ऊपर के कुछ लोग जो बातें कर रहे थे तो मिल गए थे, तो हम पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है जगजीवन राम भाई एक हमारे यहाँ गुजराती हुआ करते जगजीवन राम जी जो इंपीरियल बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने मेरे दादाजी को कहा कि बच्चा आपका है, उनके बच्चे आपका है, हाँ इसको बुला करके सामने क्यों नहीं बैठाते, वो क्यों बातें कर रहा है पीछे। वो मुझे आगे बुला करके उन्होंने बैठाया कि अच्छा अब हम एक लाइन बोलते हैं तुम बोलो। वो मुझे प्रसंग याद है कि वो मनसुख दास जी ने लाइन बनवाई और मैंने बोला, तब से मुझे मालूम पड़ा कि ये भी मनसुख दास जी बहुत बड़े भगवती हैं और हमारी समाज जब तक मनसुख दास जी इस भूतल पर रहे, आखिरी समाज तक, समाज करने के बाद ही आपने लीला में प्रवेश किया, तब तक मनसुख दास जी ही आकर के समाज शुरू कराते थे। उस समय समय होता था 7:30-8 से 10:30 तक, सब 10:30 बजे समय होता था, 7:30 यानी 7:15 बजे मनसुख दास जी पहुंच जाते थे उस घर में जहाँ समाज, ये पक्की। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने रेगुलर इसका आनंद लिया है, रेगुलर समाज में जाते रहे हैं, घर पे भी आनंद लिया है, तो रेगुलर अभी भी चलता है, तो कभी ये इसी बात का यही उद्देश्य था कि आपसे बारी के जानना कि इन सबका औचित्य क्या है, इन सबका उद्देश्य क्या है, साथ ही जो रागे गाई जाती है क्या इनके पीछे भी कोई आधार है? पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने 3 प्रकार की सेवा मुख्य रखी है, राग भोग और श्रृंगार। राग का प्रथम आता है, जैसे आज हम अलौकिक की बात नहीं करते हैं, मैं एक ऑर्डिनरी बात करता हूं। टेक फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू ए मूवी, अभी एक पिक्चर में हम जाते हैं और बहुत सुंदर गाना लता मंगेशकर बज रहा है या आज की तारीख में श्रेया घोषाल का बज रहा है या किसी का भी बज रहा हो, हमको माधुरी आवाज कैसे लगती है, कभी गाना बहुत अच्छा है, माधुर्यता से एकाग्रता आती है और उस श्रवण से उस गाने से, मतलब यहाँ तो कीर्तन की बात कर रहा हूँ लेकिन उस संगीत से, लिरिक्स जिसको कहते हैं अपन, उनसे हमारा एक ऐसा तालमेल हो जाता है कि हम उसमें समावेश इमर्स हो जाते हैं, वी गेट इमर्स्ड इनटू इट वेरी डीपली विदाउट नोइंग व्हाट इज अराउंड सराउंडिंग अस, हम इतने खो जाते हैं उस गाने की माधुर्यता से, मिठास से, जैसे हमको और दूसरी चीज को देखना बंद हो जाती है। उसी तरह से ठाकुर जी इन रागों के द्वारा इस तरह रीझते हैं, क्योंकि इन रागों के द्वारा उन लीलाओं का वर्णन किया गया है जो ठाकुर जी ने साक्षात की है। ये किसी कवि का लिखे हुए शब्द नहीं है कि सूरदास जी, परमानंद दास जी, आनंद दास जी, इन्होंने आपका लिख दिया है, इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने जो देखा वो वाणी स्फुरित हुई,
मैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहता हूँ, उसके बाद जॉर्ड बर्नाचा की एक बात बताऊंगा आपको। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, तीसरे स्कंद के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है, किसी को नोट करना हो तो उसको देख लीजिए। आयुर्हरत, मैं श्लोक का अर्थ बता देता हूँ आपको। प्रत्येक सूर्योदय के साथ आयु का हरण शुरू हो जाता है, कोई अपवाद नहीं है। जैसे ही सूर्योदय हुआ हमारे जीवन का एक दिन घट जाएगा। तो भागवत जी क्या कह रही हैं, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्निसौ तत्क्षणते यत् क्षणो नीते उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम, सूर्योदय के साथ में आयुर्हर हो जाती है। उद्यन्नस्तम च यन्निसौ, इसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन एक उपवाद है, श्रीमद् भागवत एक अपवाद बता रही है इसका। There is one exception according to श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत क्या है, समाधि भाषा है, ये भी लिखी भी नहीं किसी के देने। ऊपर से वेदव्यास जी को आज्ञा हुई और गणेश जी ने स्वयं ने हस्तलिपित की है श्रीमद् भागवत को। ये ऐसा ग्रंथ है जिसका सप्ताह होता है हमेशा, आप कई समय भागवत सप्ताह होते हैं, तो गणेश जी ने लिखी है और ऊपर भगवत आज्ञा से व्यास जी को हुई है उनकी जवान। और जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, गायक कोई दूसरा होता है, स्क्रीन पर किसी दूसरे को बताया जाता है, होठ उसके वैसे ही चलते रहते हैं लेकिन गायक कोई दूसरा, आवाज किसी दूसरे की। तो भागवत में भी यही हुआ, भगवान की आवाज है, बोल व्यास जी रहे हैं, लिख गणेश जी रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, एक अपवाद है। क्या अपवाद है, जिन क्षणों में आपने भगवत स्मरण किया है उसमें आयु घटती नहीं, आयु बढ़ जाती। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्निसौ तत्क्षणते यत् क्षणो नीते उत्तम श्लोक वार्तया। इसको जॉर्ड बर्नाचा ने अपने अपने लिविंग एग्जांपल बताया। ही सेज दैट व्हेन ए मैन कम्स अप विद अ पायस सोल यू फाइंड अ डिफरेंट ऑरा इन हिज फेस। When you go to a temple or church, you will find absolutely different vibrations. But when you go to a theater or a dancing hall, the vibrations will be entirely different wavelength. यदि आप किसी नाट्यगृह में जाते हैं तो वहाँ के vibrations आपको किसी दूसरे तरह के मिलेंगे, लेकिन यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का aura vibration दूसरे मिलेंगे। तो उनका कहना ये है कि जहाँ जिस स्थान पर जिस घर में जिन व्यक्तियों के द्वारा ये सत्संग और भगवत स्मरण होता रहता है उसका प्रभाव अपने आप में अलौकिक हो जाता है और वो प्रभाव अभाव नहीं रहता, फिर वो स्वभाव में बदल जाता है। अब चूंकि आप वैष्णव संप्रदाय के वो गुणीजनों से आपका नाम आता है। नहीं नहीं, मैं भी अभी अज्ञानी बालक हूं भैया। अभी जैसे कई नए बच्चे आ जा रहे हैं, ज्योति जी तोला की बिटिया आई है, बिल्कुल नई तोला जी की बिटिया है। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे ये जानना चाहेंगे, ये जानना चाहती है, ये जानना चाहेगी कि ये जो आज जो उस समय जो रागों पे गाए जाते हैं होली के लिए, क्या इनका कोई क्रम भी है क्या, और क्रम है तो उसका क्या महत्व है? देखिए, हर किसी भी सुंदर व्यवस्था का क्रम होता है और जो क्रम से चलती है वही सुंदर रहती है। आप देखिए, पढ़ाई में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड होते हैं ना, यू गो टू कॉलेज और स्कूल और व्हाटएवर योर इंस्टीट्यूशंस आर देयर, you need to have a study. Your book starts from example A and then goes to example J, whether it's mathematics, physics, chemistry, biology, whatever it is. Aisa hai, hota hai na aapke yahan? To usi kram mein jab aapko school mein classes mein padhate hain ya aap apne pariksha ke liye taiyari karte hain to aap dekhte hain. Suppose there is an examination paper before you. So what you do, there are 15 questions and you have to solve 10 questions out of that, 8 questions, whatever. Then what you will do? You'll select the best 5, but you'll read all the questions serial wise. है ना? क्यों पढ़ना पड़ता है serial wise? इसीलिए कि you exactly know what has to be done. हमारे पुष्टि मार्ग, अपने पुष्टि मार्ग में इसमें राग भोग श्रृंगार का एक ही क्रम है. सबसे पहले हमारे वंदना होती है किसकी, ठाकुर जी की. और ठाकुर जी की वंदना में जो पहला आपने जब भी देखा होगा, ब्रज युवती शतसंगे कीर्तन बोला होगा, गोसाई जी ने जो लीला के दर्शन किए हैं वो लीला का कीर्तन आता है. उसके बाद हमारे वल्लभ कुल के परिवार का कीर्तन आता है कि वल्लभ कुल परिवार के द्वारा जिससे हमको ये पुष्टि मार्ग होने का सौभाग्य मिला. और तीसरा क्रम आता है सबसे पहले बिलावल में. पहले
पहला प्रभाग बिलावल आएगा, कोई भी यदि पुष्टिमार्ग का होगा तो कीर्तन बिलावल से शुरू होगा, उसके बाद कोई भी राग अनुसार कर्म ले सकते हैं आप, पर होना चाहिए राग। अब अपने यहाँ राग को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि राग आगे की नहीं आए, क्योंकि हर एक आदमी माइल नहीं हो सकते, तो अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, फिर अपने आप राग आ जाएगा। एक वार्ता प्रसंग आता है अपने पुष्टिमार्ग में, रूपा पोरिया करके एक हमारे यहाँ श्रीनाथ द्वारा में बैठा करते थे उस पर, उनको कोई राग वागे नहीं आती थी। कुमन दास जी कीर्तन गाते थे, जाग ये ब्रजराज कुंवर कमल कवर फूले, प्रातः काल का मंगला गाना। अब वो रात को जब सैन हो रही है तब जाग ये ब्रजराज कुंवर कमल कवर, वो रूपा पोरिया ऐसा बोल रहे। एक दिन उन्होंने टोक दिया, अरे रूपा पोरिया कहाँ कहाँ बोल रहे, प्रातः काल कीर्तन तो रात को श्रीनाथ जी को सिस्टम करा दे। मैं बता रहा राग और अनुराग का फर्क, ये घटना बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स नॉट अ फिक्शन, नॉट अ थ्योरी, इट्स एग्जैक्टली हैपनिंग, हैपेंड। तो उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया गाना। दूसरे दिन श्रीनाथ जी आंखों में नेत्र लाल, आप ये समझ रहे हैं कि ये चित्र जी नहीं है, साक्षात है, हम अभी मालपानी हाउस में नहीं बैठे हैं, हम अभी नंदालय में लीला में ब्रज भूमि में बैठे हैं, हम सब लोग अभी, हमारा भाव ये है। तो गुसाई जी ने पूछा, आज ये आप रक्त आरत कैसे, रात भर कहाँ रहे? बोले रात को सो नहीं पाए, क्यों? वो तिहारे रूपा पोरिया ने गायो नहीं, रूपा पोरिया नहीं गायो, रूपा पोरिया ने बोला तूने गाया नहीं रात को, क्या गाता तू रात को ऐसा? बोले मुख तो कुमनदास जी ने मना कर दिया, कुमना कहा मना किया इनको, तो कृपा ना मंगला को कीर्तन सेन में गावे रात को सोते वक्त, तो सिन्हा जी बोलेंगे कैसे? राग नहीं, यहाँ को अनुराग है, यहाँ के अनुराग से रीजे हैं, इसलिए ये जैसो करे वैसे कर रहे उसकी बात करेंगे, पर पहली राग बिलावल आएगी, उसके बाद आप कोई भी कैसे भी लीजिए, जो भी कीर्तन गा ले सकते। तो आज के इस फागोत्सव और हवेली संगीत की संध्या के अंतिम सत्र की तरफ बढ़े, इससे पहले हम संक्षेप में आपसे चाहेंगे कि नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश आपका? बहुत सुंदर प्रश्न, और मैं अपने आप को भी अभी नई पीढ़ी समझता हूँ, इसलिए मैं अपने आपकी बेहतरीन बात कर रहा हूँ। हमें अच्छी चीज सीखने के लिए और अच्छे विचार करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी गॉट टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ्स। आप देखिए, मैं अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में था, मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर फ्रेंड ही बाहर से ऑपरेशन करा के बाहर आए, ऑपरेशन करके बाहर आए, तो हमारे जो रिलेटिव थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने साहब कैसी तबियत है, आई हैव डन माय जॉब, नाउ यू प्रे गॉड। आप अपने यहाँ लोकल भी डॉक्टर कहते थे कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप भगवान को प्रार्थना करिए। हम नया कोई भी काम खरीदते तो गणेश जी के यहाँ जाकर के बैकल हो या कोई भी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि वहाँ के वाइब्रेशंस और वहाँ का स्वरूप और उसकी भक्ति महिमा वहाँ इतना बड़ा पॉजिटिव एनर्जीज है जो हम शेयर करें। ये तो एक मैंने जनरल बात बताई, अब बच्चों के लिए हमारे परिवार में क्या करना चाहिए उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हमेशा घर में संस्कार कब अच्छे होंगे, हमारे विचार कब अच्छे होंगे, जब हमारा साहित्य से या हमारे माता पिता से या हमारे गुरुजनों से या हमारे फ्रेंड से हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जिससे हमारा अहित नहीं हो जीवन में। जीवन में हित कब नहीं होगा, जब आपके विचार कंस्ट्रक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और जैसे समुद्र में लहरें कई दफा उल्टे सीधे तूफान आते हैं पर किनारे पर शांत हो जाती है, इसलिए जीवन में आपके कई अमंगल प्रश्न बनेंगे, कई आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी कभी भी धैर्य मत खोजिए, डोंट लूज योर पेशेंस नेवर। यदि आपने अपनी धैर्य शक्ति को कायम रखा है तो आपके ठंडे दिमाग से वही चीजें निकले के आएगी जिस जो भगवत स्मरण से आती है। आपने अजामिल का एक प्रश्न भागवत में आता है, यहाँ या स्वामी रामसुख दास जी एक अपने यहाँ बड़े संत हुए हैं जो अभी ऋषिकेश में विराजते थे और अभी जिनका 8-10 साल पहले ही गोलोक का पास हुआ है, वो एक बात हमेशा कहा करते थे, मेरे पास सुबह 4:30 बजे लोग क्यों मेरा प्रवचन सुनने आते हैं, मैं भी माँ के पेट से उसी तरह से आया हूँ, पर मेरे पास एक धन है, वो है भगवत। इस नाम के धन के और इस ये मैं लेता भी हूँ और करवाता भी हूँ,
तो जो करते हैं और जो करवाते हैं उनमें भगवत स्वरूप और भगवान स्वयं आके विराजते हैं। और यदि भगवान आपके हृदय में विराज रहे हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको मैं दूसरे समय कहूँगा ये आपके हृदय में विराज रहा है तो फिर आपको कभी भी गलत कार्य करेंगे नहीं और अच्छे की ओर दृष्टि कर जाएंगे और आपकी भी उतनी प्रशंसा प्रसिद्धि होगी जितनी एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति की होती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आधा घंटे तक वो अपने कृष्णा जी के उपासक हैं और देवी के उपासक हैं। आपको ध्यान होगा कि नवरात्रा केवल 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 जल से करते हैं, फ्रूट्स भी नहीं लेते। इस नवरात्रा में तो लेंगे जो अभी चैत्र में लगेगी, लेकिन जो शरदी नवरात्र आती है उसमें केवल गर्म जल और शहद के अलावा कुछ नहीं, शहद भी मात्र एक चम्मच से ज़्यादा नहीं लेते 24 घंटे में। और 9 दिन रहते हैं, क्यों रहते हैं और सारा कार्य करते रहते हैं, इसलिए करते रहते हैं कि भगवत स्मरण भगवत प्रताप का काम है। ये आदत यदि हम बचपन से डेवलप करेंगे अचानक डेवलप नहीं होगी। यदि हम इन विचारों का संस्कार हमारे बचपन से जागरूक होंगे तो हम आगे बढ़ते हुए जैसे वृक्ष की तना मजबूत होता चला जाता है वैसे ही हमारे जीवन की विचारधारा उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए बच्चों को भी और आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, परिवार में जो भी अच्छे काम होते हैं उन्हें आत्मसात करें और हम वैसा करने का प्रयास करें। बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय में आपने इतनी सार की बातें बताई और अब हम गुरुजी से माफी चाहते हुए दोबारा पुनः दोबारा शुरू करते हैं। Thank you.
Thank you.
Thank you.
for the God. Thank you.
जगत जाए समाज संग मिले जीवन को God.